होगा। अब ये कल्ले सीधे जा रहे हैं तो फुटाव है नहीं, अगर फुटाव नहीं तो फ्रूटिंग कहाँ से मिलेगी। अब इसमें इस पौधे में हमने कनोपी जैसे डिजाइन की, ये नीचे से ठीक ये था एक फिट पे हमने यहाँ से इसको समझ लो काटा, तो ये दो कल्ले आए और इसको फिर हमने एक फिट से यहाँ से एक डेढ़ फिट से काट दिया, फिर ये दो हो गए और दो ये आ गए, चार हो गए, तीसरा ये चार पांच कल्ले यहीं मिल गए, चार पांच कल्ले यहीं मिल गए। अगर इसको हम ना काटते, जैसे अब ये वाला हमने ऊपर नहीं काटा ठीक, ये कल्ला यहाँ से चल रहा है नया, इसको हम यहाँ से नहीं काट रहे हैं, ये हमारा दो फिट का कल्ला चला गया। अब फ्लावरिंग अगर आएगी यहाँ आएगी, नहीं तो नए कल्ले आएंगे वो खाना, मतलब फ्लावरिंग यहाँ आएगी। अब एक तो ये फल लगा एक ये लगा है, तो यहाँ से खाना जो आएगा वो इनको पहले मिलेगा, खाना इनको ज़्यादा मिलेगा तो ये साइज ले लेंगे। और ऐसे अगर इसको हम यहाँ ना काटते तो ये यहाँ पे आके तब कल्ले देता, दो फिट ये, दो फिट ये हो गया होता इतना बड़ा, यानी फल आते यहाँ पे पाँच फिट पे, तो जो पाँच फिट तक जो खाना आता तो ये मोटा होने में भी तो खाना जा रहा है भाई, ये शाखाएं मोटी हो रही हैं, ये देखो मोटा हुआ, फिर ये मोटा हुआ, फिर ये मोटा होगा, तो खाने को यहीं पे डिवाइड कर दिया जाता है कि जैसे कटिंग कर दिया, जैसे ये है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, तो यहाँ से जो फुटाव आएंगे तो ये खाना यहाँ पे रुक गया तो अब फूल और फल यहाँ पे है तो फल को खाना यहीं मिलने लगेगा, तो साइज फल का तब बढ़ेगा। इसलिए पौधे की हाइट से ज़्यादा उसकी कनोपी बनाते हैं। ये बड़े पौधे हैं, इनमें देखिए फ्रूटिंग इतनी ज़्यादा लगी पड़ी है, ये बड़े पौधे, ये BNR भी है, इनमें क्या है हमारी देखो यहाँ पे फल है, कटिंग हो गई, यहाँ कटिंग हुई, ये कल्ले आ गए, ये कटिंग हुई, ये फल ख़त्म होंगे फिर कल्ले आ जाएंगे, सारा जो है कटिंग हो जाता है जैसे ही स्टेप जाता है। ये 3 साल का पौधा है, फल इसमें इतना लगा है, अभी खाद भरेंगे, शेड्यूल पूरा चालू करेंगे, फल का दाने का साइज बढ़ जाएगा, 400-500 ग्राम का दाना हो जाएगा, फल बहुत ज़्यादा छोड़ दिया है इसलिए इतनी जल्दी नहीं बढ़ रहा है। फल अगर इसी पे 40-50 रखेंगे, 40-50 फल रखेंगे, यानी 20-25 किलो माल इससे अगर लें तो आराम से अभी सारा दाना फूल जाएगा, एक दाना कम से कम 500-600 ग्राम जाएगा इसका। तो सारा सिस्टम टेक्निक का है। 3 पौधे ताइवान पिंक के हैं जो ये पौधे रखे, इन्हीं के साथ के ये लगे हैं 3 पौधे, क्योंकि ये प्लांटेशन किए फिर उसके बाद हम ये लगा दिए। अब ये देखिए कितना ज़्यादा ब्रांचिंग है, अब ये ब्रांचिंग है तो इन्हीं में हमें फल मिलेगा, इसमें जितना हम फुटाव ले पाएंगे, टॉप सूट को हम यहाँ पे खाना रोक देंगे, अब ये वाला फुटाव चालू हो जाएगा, झाड़ बन जाएगा, झाड़ में हमें फल ज़्यादा मिल जाएगा, दो फल इस झाड़ में, दो इसमें तब भी 10 किलो मिल गया। मतलब सारा सिस्टम है कि शाखाएं डिवाइड करना है। अब ये शाखा मान लो ये शाखा जा रही है, तो इस शाखा को हम यहाँ, ये मैच्योर है शाखा भूरी, ये शाखा जो है मैच्योर है यहाँ पे, तो कायदे में चाहिए जहाँ पे मैच्योर है यहाँ से कट करेंगे, जैसे यहाँ से अगर हम कट करेंगे एक फिट मिल रहा है और ये पक गई है शाखा, यहाँ से जो फुटाव आएगा वो कल्ले लेके आएगा और उसमें फूल होगा, ये वेजिटेटिव ग्रोथ में जा रहा है, तो हम इसको अभी बढ़ा रहे हैं क्योंकि पौधा थोड़ा छोटा है, तो ये बढ़ जाएगा तो इसको हम एनर्जी को यहीं रोक देंगे, फिर इन कल्लों को जो है मैच्योरिटी पे काट देंगे, ऐसे फूल लेके फिर आ जाएगा, ये 12 महीना फूल देने में सक्षम है, इसकी जब हम कटिंग करेंगे जब चाहेंगे तब ये फल फूल देने में सक्षम है ताइवान पिंक। ये 3 पौधे जो है ताइवान पिंक है, अब इसमें देखो फल सेटिंग है ताइवान पिंक है, ये फल सेटिंग है और इसमें फल सेटिंग कुछ नहीं है, जबकि ये पौधे बाद के हैं उससे, सिर्फ वैरायटी का फर्क है, इसलिए ताइवान पिंक यूपी में ज़्यादा हमें सक्सेस हो रहा है, हर जगह किसान इसको ज़्यादा मांग रहे हैं। रेड डायमंड पौधा भी महंगा है, फल भी महंगा है, लेकिन साला इतना रिजल्ट नहीं दे रहा है।